बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील कार्यालय और कोर्ट परिसर के पास लोग खुलेआम अतिक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रोड पर पहले कुछ ही दुकानें संचालित हुआ करती थी, लेकिन रातों रात टीन से बने हुए कई ठेले कोर्ट परिसर के पीछे और तहसील कार्यालय के समीप रख दिए गए, जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण को लेकर भैंसदेही SDM KC परते से शिकायत की गई थी, जिसके बाद आज राजस्व विभाग के अधिकारी एवं नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने मिलकर तहसील परिसर के पीछे लगे ठेलों को हटाने का कार्य किया। आपको बता दें, तहसील परिसर के पीछे इन दिनों जमकर अतिक्रमण किया जा रहा है और अतिक्रमण ऐसा ही नहीं बड़े स्तर पर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन मौन बैठा हुआ है। जहां लॉकडाउन के कारण लोगों का रोजगार चला गया है, तो वही लोग रोजगार की तलाश में अतिक्रमण करके ही अपने घर का पालन पोषण करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा मुंह देखा देखी कार्य किया जा रहा है। तहसील कार्यालय के समक्ष कई दबंगों का भी कब्जा और अतिक्रमण है, लेकिन प्रशासन उन लोगों को हटाने का काम नहीं कर रहा। जिन लोगों ने वर्तमान समय में अपने ठेले अतिक्रमण कर रख रहे थे, उन्हीं लोगों का प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। ऐसे में प्रशासन ही कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि राजस्व विभाग क्या उन लोगों का भी अतिक्रमण हटाता है जो लोग स्वयं अतिक्रमण कर बैठे हुए हैं, या फिर जिन लोगों ने रातों रात अतिक्रमण किया है उन्हें लोगों को अतिक्रमण हटाया जाएगा या नहीं। यह तो अब प्रशासन की कार्य प्रणाली से ही नजर आएगा कि प्रशासन दबंगों का साथ देता है या उन गरीबों का जो लॉकडाउन के कारण अपनी रोजी रोटी गवा बैठे है। बताइए, क्या नाम है? सर, अतिक्रमण की कार्रवाई जो की जा रही है, तो ये कार्रवाई कहाँ तक चलेगी सर? अभी तहसील परिसर में कुछ लोगों ने रात को चोरी छुपे कुछ टप गुमठियाँ रख दी थी, तो उन टप गुमठियों को तो तत्काल हटा दिया गया। कुछ शिकायतें मिली हैं, कुछ पुरानी दुकानें भी यहाँ पर बनी हुई हैं टप रखे हुए हैं, तो उनके संबंध में हमने पटवारी से मौके की जाँच करवाई है और पटवारी की रिपोर्ट आ गई है। उसके बाद हम जो है विधिवत जो धारा 248 के तहत सर, एक और बात पूछना चाह रहा था कि परिसर में रखे वाले तो आपने तत्काल कर लिए, लेकिन जो तहसील के सामने रखे हुए या अन्य जगह या शहर में कहा था कि भूमि पर जहाँ भी अतिक्रमण होता है जी पाया जाएगा, जांच कराई जाएगी और कार्रवाई। सर, कार्रवाई में ये किया जाएगा कि उनको वहाँ से हटाया जाएगा या प्रतिस्थापित किया जाएगा? 248 के तहत हम कार्रवाई करते हैं। अब जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई है, सावधानी।